चोट लगी है। ये लो मेरा हैंकी। वैसे आपका नाम क्या है भैया? मम्मी ने बोलना नहीं सिखाया? इससे ज्यादा तो मैं नींद में बोल लेती हूँ। ये तो बता दो, आप गिरे कैसे? किसी ने धक्का दिया था ना? सिर्फ एक बार बता दो कि किसने धक्का दिया था आपको। मैं अब भी जाके उसके बाल बिखार देती हूँ, उसकी पेंसिल की नोक तोड़ देती हूँ और उसके बैग पे डोंकी लिखकर अंडरलाइन कर देती हूँ। पता है क्यों? क्योंकि तुम मेरे फ्रेंड हो। फ्रेंड? हम फ्रेंड कब बने? अभी तो आपने मेरे साथ हैंडशेक किया था, और हैंडशेक का मतलब दोस्ती, और दोस्तों के लिए परी कुछ भी कर सकती है। मुझे तो लगा था कि तू टीचर को मेरी शिकायत लगाने गया होगा, पर तू तो छुप के बैठा है। अरे ये देखो आ रही की नई फ्रेंड, जूनियर केजी गर्ल। एक मिनट, इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? तुम लोग कभी केजी में नहीं थे, और जूनियर केजी वाले बच्चों को ये कांटे लगे होते हैं? कांटे नहीं, पूछ लगी होती है। घोड़े की पूछ, घोड़े की पूछ, घोड़े की पूछ, घोड़े की पूछ। उसकी तरफ क्या देख रही है वो डरपोक? तेरी मदद करने नहीं आएगा। घोड़े की पूछ, घोड़े की पूछ। मॉनिटर को क्लास जाना है, जूनियर केजी में। अभी तुझे बेटा क्लास। हाँ बाबा। हाँ गुड़िया, कहाँ हो तुम? अभी तक वापस नहीं आई? परी को स्कूल छोड़ दिया ना? हाँ बाबा, मैं स्कूल के बाहर उसका वेट कर रही हूँ। अभी तो लंच ब्रेक ही हुआ होगा, क्या पूरा दिन वहीं रुकने की सोच रही हो? एक्चुअली बाबा, आज परी का पहला दिन है, नई जगह, नया स्कूल, नए लोग, पता नहीं कैसे मैनेज करेगी। मुझे उसकी चिंता हो रही थी तो मैंने सोचा मैं यहीं रुक जाती हूँ, उसे कुछ जरूरत पड़ गई तो। ठीक है बेटा। अभी हम लोग सब अपने अपनी क्लास में जाते हैं। मुझे प्लीज छोड़ दो। डरने वाला नहीं हूँ। तुमने मेरी चोटी को क्या कहा था? घोड़े की पूंछ? प्लीज मुझे छोड़ दो।
आपका बच्चा कौन सी क्लास में है? जूनियर केजी सेक्शन बी। ओके। जूनियर केजी? परी भी तो जूनियर केजी में है। सारे बच्चे बाहर आ गए तो परी अब तक क्यों नहीं आई? परी? 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 क्या हुआ? इतने देर क्यों लगा दिया आपने? बाकी बच्चे कब के चले गए? कहाँ थे आप? पानी पी रही थी मामा। पानी पीने में इतनी देर लगती है? मामा आपको पता है मैंने ना एक अपना न्यू फ्रेंड बनाया है। अच्छा, कौन? नाम तो नहीं बताया, बट उसके फ्रेंड्स ना उसको बहुत तंग कर रहे थे, तो उसने मेरे साथ हैंडशेक किया। फिर? फिर उसके फ्रेंड्स ना मुझे भी तंग करने लगे। और उसके बाद? उसके बाद पता नहीं मामा, मुझे याद नहीं है। मतलब आपने स्कूल के पहले ही दिन झगड़ा कर लिया? मामा, झगड़ा उन्होंने शुरू किया था, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। प्लीज एंग्री मत होना मामा। घर चलो पहले। आदि, ये चोट कैसे लगी? आदि को चोट लग गई? कैसे लग गई? वो मैं गिर गया था। और कहीं तो नहीं लगी आपको? आदि तुम बैठो, मैं तुम्हारी ड्रेसिंग कर देती हूँ। अंश, फर्स्ट एड बॉक्स वहां पर कबट के पास। श्योर ना कहीं और नहीं लगी आपको? अब ये दवा लगा दूंगी ना, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आई एम सॉरी आदि, जल रहा है ना? आई नो, एंटीसेप्टिक लोशन से थोड़ी जलन तो होती है, लेकिन तुम्हारी चोट को ठीक करने के लिए ये लगाना बहुत जरूरी है। आदि, सच सच बताना कि चोट वाकई गिरने से लगी है? हाँ, अब रहने दो, मैं दादी माँ से ड्रेसिंग करवा लूँ। आदि, आदि सीधा दादी के पास जाना। अंश, मुझे लगता है कि आदि को चोट गिरने की वजह से नहीं लगी है, जरूर उसने स्कूल में किसी के साथ मार पिटाई की होगी। कुछ दिन पहले भी मैंने देखा था उसके नी पे चोट थी। आई थिंक आदि को चेंज की जरूरत है, इसीलिए तो मैं उसे हॉस्टल भेजने की बात कर रही थी। उर्वशी, हम इस बारे में पहले भी बात कर चुके हैं, और मैं तुम्हें पहले ही बता चुका कि मैं आदि को इस घर से दूर भेजने के फेवर में नहीं हूं। लेकिन इसमें गलत क्या है अंश? लाखों बच्चे हॉस्टल में रहते हैं। रहते होंगे, लेकिन मेरा आदि नहीं रहेगा। जानते हो अंश, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम आदि के आज के बारे में सोच रहे हो, जबकि मैं आदि के आने वाले कल के बारे में सोच रही हूँ। तुमने कभी नोटिस किया है आदि ऐसे चुप चुप क्यों रहता है? दूसरे बच्चों की तरह शरारत क्यों नहीं करता? क्योंकि वो इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रहा है। किसी से कुछ नहीं कहता, बस अंदर ही अंदर घुटता रहता है, और यही वजह है कि वो अचानक से अजीब बिहेव करने लगता है। उर्वशी, मैं अपने बच्चे को अच्छे से समझता हूँ। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि वो थोड़ा रिजर्व्ड है। बचपन में मैं भी ऐसा ही था। डोंट वरी, आदि बिल्कुल ठीक है। ज़्यादा खुश मत हो, तुम्हें यहाँ ज़्यादा देर तक रुकने नहीं दूंगी। उर्वशी,
दादी तुम यूनिफॉर्म चेंज करके फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट वाला मिल्क लाती हूँ। ओके okay?